सुने। अज्ञानति निरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हमारी भारतीय संस्कृति जिन सिद्धांतों पर आधारित है उनमें एक सिद्धांत कर्मफल का सिद्धांत है। सृष्टि के प्रारंभ से लेकर आज तक इसी सिद्धांत पर सारी सृष्टि टिकी हुई है। वास्तव में कर्मफल का सिद्धांत बड़ा ही गहन है। आलसियों को बहुत बड़ी बड़ी पदवियां, बहुत पैसे, धन और मेहनत करने वालों को गरीबी की स्थिति में देखकर आज का व्यक्ति इसके बारे में संदेह करने लगता है। धर्म प्रेमी दुखी का जीवन व्यतीत करते हैं और पापी जीवन व्यतीत करने वाले हर प्रकार की मौज मस्ती करते हुए देखे जाते हैं। इन सारी चीज़ों को देखकर ऐसा लगता है कि इस प्रकार का कोई भी सिद्धांत नहीं है और मनुष्य का विश्वास इस पर से उठता जाता है। कभी कोई कहता है कि मनुष्य के सारे कर्मों का लेखा जोखा लिखा जाता है तो बड़े आश्चर्य की बात होती है। सारे विश्व की जनसंख्या अगर देखी जाए तो वो अरबों में जाकर बैठती है और इतनी बड़ी जनसंख्या का लेखा जोखा लिखने के लिए कितने मुनीम चाहिएंगे और कितने खाते चाहिएंगे, बड़ी विचित्र सी बात लगती है। लेकिन जब विज्ञान की दृष्टि से देखते हैं तो लगता है कि इसमें कोई भी असंभव नहीं है। बड़े बड़े गीतों को रिकॉर्ड करके जब थोड़े से सीडी के अंदर समेट लिया जाता है, बड़े बड़े भाषणों को जब शॉर्ट हैंड के माध्यम से हमारा लिपिक लिपिबद्ध कर देता है, तो इस प्रकार से बड़े बड़े कर्मों को भी लिपिबद्ध किया जा सकता है। और ये करता है चित्रगुप्त। कौन है ये चित्रगुप्त? आइए जरा इसका थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करें। ये चित्रगुप्त कोई और नहीं बल्कि हमारे ही मन का गुप्त चित्र है और ये हर एक का लेखा जोखा अपने आप लिखता हुआ चला जाता है। जो कुछ भी हम करते चले जाते हैं वो हमारे मस्तिष्क के अंदर लिपिबद्ध हो जाता है, अंकित हो जाता है और उसी का परिणाम हम अपने जीवन में भोगते रहते हैं। लेकिन जब समाज के अंदर देखते हैं कि लोगों को फल नहीं मिलता, लोगों को परिणाम नहीं मिलता, तो फिर लोग इस पर से अपना विश्वास हटाते हुए चले जा रहे हैं। साथियों, वास्तविकता ये है कि जब किसी को चांटा मारने से अगर हाथ में फुंसी निकल आए या किसी को गाली देने से जीभ में फफोले निकल आए या किसी की हत्या करने से हाथ कटकर स्वयं अलग गिर जाए तो मनुष्य को सोचने की कोई शक्ति नहीं रह जाती और वो सिर्फ एक ही रास्ते पर चलने के लिए विवश हो जाता है। भगवान ने हमको सोचने की शक्ति दी है, भगवान ने हमको कार्य करने के मार्ग सुझाए हैं। हम उन सोचने की शक्ति के माध्यम से अपने कार्यों को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करें। कैसे? आइए जरा इसको देखते हैं। किस प्रकार के हमारे कार्य होते हैं और किस प्रकार के हमको फल मिलते हैं? ये तीन प्रकार के होते हैं जिनमें एक को कहा गया है दैविक, दूसरे को कहा गया है दैहिक और तीसरे को कहा गया है भौतिक। दैविक क्या होते हैं? ये मानसिक रूप से होते हैं। हमारा चिंतन जो लोगों को दिखाई नहीं देता लेकिन अगर अश्लील विचारधारा का है, निष्कृष्ट विचारधारा का है, तो उस पर हमारा प्रभाव पड़ता है और हम मानसिक रूप से परेशान हो जाते हैं, जिसके कारण हम शारीरिक रूप से भी रोगी, शारीरिक रूप से भी हम परेशान रहने लगते हैं। दूसरा होता है दैहिक। शरीर में चोट लगती है तो उसका कष्ट मनुष्य को स्वयं भोगना पड़ता है। हाथ में चाकू लग जाता है, पीड़ा सहन करनी पड़ती है। शराब पी जाती है तो उसका भोग शरीर के अंगों को भोगना पड़ता है। तीसरा होता है भौतिक प्रकार का। भौतिक अर्थात मनुष्य जो है वो समाज में किए हुए सामूहिक कर्मों का फल भोगता है, जैसे स्थानों पर भूकंप आना, महामारी का फैलना, अतिवृष्टि
और अनावृष्टि, ये एक ऐसे कर्म है जिसको कि मनुष्य भौतिक विपदाओं का नाम देता है। साथियों, ये भौतिक विपदाएं मनुष्य के जीवन में सामूहिक दंड के विधान के रूप में आती हैं। विज्ञान का एक नियम है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। लेकिन भगवान के इस सिद्धांत के अंदर देर है, अंधेर नहीं है। कभी कभी किन्हीं कर्मों का फल पाने के लिए मनुष्य को जन्म जन्मांतरों का इंतजार करना पड़ता है, और कभी किसी कर्म का फल मनुष्य को तुरंत मिल जाता है। जब मनुष्य को फल तुरंत नहीं मिलता और उसको जन्म जन्मांतरों का इंतजार करना पड़ता है, तब मनुष्य का विश्वास इस कर्म फल से उठता हुआ चला जाता है। लेकिन एक बात और भी सत्य है कि वो कर्म किस प्रकार का है और किसके द्वारा किया जा रहा है, किस भावना से किया जा रहा है, ये चीजें देखना आवश्यक होती हैं। आप सामाजिक दृष्टि से ही देख लीजिए, जज साहब के पास अगर कोई केस आता है किसी की हत्या का, ये हत्या करने वाले तीन प्राणी हैं, लेकिन जज साहब एक व्यक्ति को साफ तौर पर बरी कर देते हैं, दूसरे को 5 साल की सजा दे देते हैं और तीसरे को मृत्युदंड दे देते हैं। आप कहते हैं ये कैसी विचित्र बात है, हत्या तो तीनों ने ही करी,